असलकुम कैसे हैं दोस्तों उम्मीद करते हैं खेलिए से होंगे तो आज हम बहुत दिन के बाद आए हैं अपने चैनल पे रूही ऑलराउंडर चैनल पे तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा जो हम कौन सा रेसिपी बना रहे हैं तो हम रेसिपी बना रहे हैं ये मच्छी जो रेहू मच्छी उसका अंडा जो पेट में अंडा रहता है अभी बारिश का सीजन है इस टाइम पे मच्छी अंडा होता ही है तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये मच्छी का अंडा पूरा सेफ्टी के साथ रहता है तो ये जो भी ऊपर का जो पतला पतला ये दिख रहा है ना, ये सबको हम फोड़ लिए हैं और अंडा जो है इसे हम अगर ऐसे ही धोएंगे तो पूरा पानी के साथ बह जाए तो हम ये छन्नी के मदद से पूरा अंडा को हम धो लेंगे तो देखिए सबसे पहले ऊपर का जो पतला स्किन होता है वो सब हम निकाल लिए हैं खोल दिए हैं स्किन को देखिए कितना छोटू छोटू सा अंडा है ये सब हम वेस्ट नहीं जाने देंगे सब हम छन्नी की मदद से धो लेंगे तो इसे अच्छे से कंटिन्यू पाँच मिनट तक धोते रहना है आपको जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तो देखिए किस तरह से ये अंडा को हम सेफ्टी के साथ धो रहे हैं और इसका जो रेसिपी है ना बहुत ही टेस्टी बनता है हम इसका अंडा जैसा हम लोग अंडा मुर्गी का अंडा होता है जैसा बाजार से लाते हैं अंडा वो अंडा को फ्राई करके ईजिली खा लेते हैं तो इसे भी उस तरह से हम खा सकते हैं और खाते भी हैं तो आज हम इसका कुछ नया रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो बने रहिए ये वीडियो पे और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा पसंद आया तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा तो देखिए ये मोटा सा जो स्किन है ये साइड हो गया है इसे हम निकाल के फेंकेंगे नहीं इसे हम सबको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लिए हैं। तो देखिए ये कितनों कितनों सा अंडा है ये एकदम बारीक सा है इसमें हम प्याज जो लगभग पचास ग्राम कटा हुआ प्याज हम इसमें चॉप किया हुआ डाल देंगे और ये थोड़ी सी दो से चार हरी मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा थोड़ा सा धनिया और एक चम्मच छोटी चम्मच से नमक हम सब इसमें डाल दे रहे हैं और देखिए ये आधी चम्मच हल्दी डाल दे रहे हैं और ये आधी चम्मच जीरा है और आधी चम्मच ये मिर्च काली मिर्च का पाउडर है तो ये भी हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसन का पेस्ट ये भी आधी चम्मच हम डाल देंगे तो देखिए अब इसे हम अपने हाथों के मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है हाथ से ये इसे मिक्स करना है ताकि कोई भी जो ये स्किन है एक दूसरे में चिपक के ना रह जाए तो इसे हाथों के मदद से अच्छे से मिक्स करते रहना है ये हाथ की मदद से जो मिक्स कीजिएगा ना तो ये एकदम सा पतला सा हो जाएगा पानी के जैसा तो ऐसा ही मुझे चाहिए देखिए किस तरह से पतला सा हो गया है ये एक वेटर के शेप में ये आ गया है तो देखिए ये इसमें जो मोटा स्किन है उसे हम अपने हाथों की मदद से इस तरह से तोड़ तोड़ के इसमें डाल देंगे ये जो मुंह में आएगा ना वो फ्राई होने के बाद जो हम सालन बनाएंगे मुंह में जो आएगा खाने के टाइम में क्या कहना बहुत ही अच्छा लजीज लगेगा इसका स्वाद ये जो जो भी स्किन है इसे हम इसलिए हम वेस्ट नहीं किए हैं आपको अगर नहीं पसंद तो आप हटा भी सकते हैं तो फ्राई पैन में हम सबसे पहले थोड़ा सा तेल डाल दिए तो चम्मच से देखेगा तो दो तो चम्मच अब ये चम्मच की मदद से हम इसमें डालेंगे इस तरह से सेफ से देते हुए देखिए छोटा सा चम्मच है ये गोल सेप में आप अपने हाथों से भी डाल सकते हैं तो ये अंडा थोड़ा सा तेल में डालने के बाद चटकता बहुत है उड़ता है तो इसको सेफ्टी के साथ आप तेल में डालिएगा तो देखिए एक मिनट भी नहीं लगा है मुश्किल से तीस से चालीस सेकेंड लगा है और ये एक साइड से पक चुका है तो इसे हम अल्टी पल्टी करके फ्राई कर लेंगे दूसरे साइड में हम पैन कढ़ाई रख दिए हैं कढ़ाई में हम तीन से स्पून ये तेल डाल दिए हैं और पीली राई जो सरसों भी हम लोग कहते हैं वो हम इसमें डाल दिए हैं आधी चम्मच आधी चम्मच जीरा डाल दिए हैं और आधी चम्मच हम इसमें हींग डाल दिए हैं तो देखिए ये सबको हम चटकने देंगे अच्छे से लाल होने देंगे उसके बाद हम इसमें ये जो प्याज है कटा हुआ चॉप किया हुआ ये लगभग दो प्याज है मीडियम साइज़ का ये वज़न में देखिएगा तो ये भी पचास ग्राम है लगभग तो ये हम कट करके उसमें डाल दिए तब तक हम ये एक साइड में जो मेरा पैन है इस पर अंडा फ्राई हो रहा है इसे हम निकाल लेंगे अल्टी पल्टी करके ये पक गया था बहुत जल्दी ये पक जाता है जो बाकी का है ये देख रहे हैं अंडा इसे हम भी फिर से फ्राई कर लेंगे दोबारा से थोड़ा सा तेल डालेंगे पैन में और इसे उसी तरह से हम फ्राई कर देंगे तो देखिए इस तरह से हम एक एक करके हम डाल देंगे सेफ्टी के साथ ये चटकता है तो इसे अपना सेफ्टी के साथ बनाइएगा एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा बहुत ही अच्छा लगता है ये रेसिपी और देखिए हम एक साइड में कढ़ाई पे हम प्याज डालें ये भी फ्राई हो चुका है अब हम इसमें अदरक लहसन का पेस्ट डाल दिए हैं लाल मिर्च का पाउडर डाल दिए हैं दो चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे हम ज़्यादा मसाला का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और एक चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा और हम डाल देंगे धनिया का पाउडर धनिया पाउडर हम ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं दो चम्मच हम नमक डाल देंगे इस तरह का चम्मच है तो हम इस सबको इस तरह से मिक्स कर लेंगे हम चाहेंगे तो इसमें प्याज कच्चा प्याज को पीस के भी डाल सकते थे टमाटर को पीस के डाल सकते थे तो अभी टमाटर बहुत महंगा है इसलिए हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं किए हैं आप भी मत कीजिएगा चलिए कैसे भी करके वक्त गुजारना है बहुत ही ऐसे ही बनाइएगा बहुत ही टेस्टी और इजी ये रेसिपी है बहुत ही अच्छा लगता है अपना बचाव के साथ बहुत ही अच्छा ये रेसिपी बनता है थोड़ा सा हम कंप्रोमाइज़ करते हैं तो भी थोड़ा मेहनत करना पड़ता है तो देखिए किस तरह से ये अंडा फ्राई हो चुका है मेरा टोटल अंडा फ्राई हो चुका है मच्छी का तो मसाला को दो सेकेंड भूनने के बाद हम इसमें दही डाल दिए हैं ये दही लगभग पचास ग्राम हम ज़्यादा मसाला इसमें नहीं डाले हैं हम चाहते तो ज़्यादा मसाला डाल सकते थे हम इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालें तो दही का जो प्याला है उसे में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें अपना ग्रेवी में डाल दिए हैं और इसे उबाल आने तक पकने देंगे थोड़ा सा भुनने देंगे देखिए इस तरह से अब स्टेज पे हम सारा अंडा फ्राई किया हुआ इसमें डाल देंगे देखिए इस तरह से हम डाल देंगे हम ऐसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं पराठा के साथ भी अंडा जैसा फ्राई कर लिए ना तो जैसा प्याजू हम लोग खाते हैं भज्जी खाते हैं वैसा हम ये खा सकते थे लेकिन आज हम ये सालन बनाए हैं रात के खाने में खाने के लिए तो हम इसलिए इस तरह का ग्रेवी वाला ये सालन बना रहे हैं आपको वक्त ना हो और कुछ समझ में ना आए तो अगर मच्छी से अंडा निकले तो इस तरह से आप बना लीजिएगा कोई बात नहीं अंडा को फेंकीिएगा इस तरह का सालन आप बनाइएगा बहुत ही टेस्टी एंड इजी लगेगा तो देखिए कैसा फूल फूल के बन चुका है मेरा ये कचौड़ी कचौड़ी के जैसा फूल चुका है बहुत ही टेस्टी अब चलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो पानी देखिएगा तो वजन के हिसाब से हम सौ ग्राम के आसपास पानी डाल दिए हैं पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा डाले हैं ताकि ये मेरा अंडा जो है वो पानी को सोख ले सौ ग्राम से ज़्यादा हम पानी डाल दिए हैं थोड़ा सा तो देखिए अब इसे हम एक मिनट तक उबालाने तक पकने देंगे ये पूरा ऑल टोटल तैयार है तो अब हम इसे पकने देंगे एक बार देखेंगे बीच में चलाते हुए और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो और पसंद आया हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और हम ये कहेंगे ट्राई ज़रूर कीजिएगा कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं कीजिएगा जो भी घर में अवेलेबल हो कैसे भी करके आप कोशिश कीजिएगा तो अच्छा ही बनेगा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बहुत ही अच्छा बन जाएगा आपसे भी ये रेसिपी तो देखिए किस तरह से मेरा ये रेसिपी बन के तैयार है मच्छी का अंडा का सालन तो इतना टेस्टी है इतना इजी झटपट बन जाने वाली तो क्यों नहीं बनाना आप भी बनाइए खाइए इंजॉय कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़ यू